2001 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की रिलीज को आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। 2001 में आज ही के दिन रिलीज हुई यह फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। आज हम इस फिल्म से जुड़े आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुदित और आप देख रहे हैं तथ्य दर्पण। लगान फिल्म में भुवन का रोल आमिर खान से पहले शाहरुख खान को ऑफर किया गया था। शाहरुख खान के साथ बात जमी नहीं। डायरेक्टर आशुतोष ग्वालिकर ने जिसके बाद आमिर खान से बात की, आमिर ने इससे पहले इनकार कर दिया। फिर एक साल बाद दोबारा स्क्रिप्ट को सुनकर उन्होंने न सिर्फ फिल्म में एक्टिंग के लिए बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी हामी भर दी। लगान फिल्म की शूटिंग पूरे होने के बाद एक और मैच खेला गया था। यह फ्रेंडली मैच आमिर खान की टीम और ब्रिटिश एक्टर्स की टीम के बीच खेला गया था। हालांकि उस मैच में आमिर खान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लगान फिल्म की कहानी साल 1893 पर आधारित है। फिल्म के क्लाइमैक्स में गांव वालों की टीम को एक बॉल पर 5 रन चाहिए थे। आखिरी बॉल पर कचरा 1 रन लेता है, लेकिन अंपायर फ्रंट फुट नो बॉल का इशारा करता है। आखिरी बॉल पर आमिर खान का किरदार भुवन छक्का मारकर जीत दिला देता है। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के नियमों के अनुसार 1962 तक फ्रंट फुट नो बॉल का कोई रूल ही नहीं आया था। यह फिल्म भारत की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है और आज इसके 20 साल पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।